सो दोस्तों, आज के स्टूडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉलेशन के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर में विंडोज 11 इंस्टॉलेशन कर लें तो कैसा रहे, तो दोस्तों इंस्टॉलेशन तो कर लीजिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका इंस्टॉलेशन आपके काम में आए। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो लोग होते हैं उनको नए नए विंडोज़ चलाने का या यूनिक विंडोज़ चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है या मैं कह लूँ क्रेज़ होता है। तो कुछ ऐसे ही यूज़र्स हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे, मेल कर रहे थे कि भैया आप जो है विंडोज़ 11 का वीडियो लेके आओ और हमें कंप्लीट विंडोज़ इंस्टॉलेशन का इंस्टॉलेशन बताओ और क्या हमें उसमें ज़रूरत होगी विंडोज़ इंस्टॉलेशन 11 के टाइम में, जो हम प्रॉपर कर पाए विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन। तो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन करते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका होना चाहिए, नहीं है तो बना लो, नहीं तो आप जैसे कि हम क्या करते थे विंडोज़ 10 में जब हम साइन अप करते थे विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन के टाइम, तो साइन अप में हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांगता था और जिनके पास नहीं होता था वो स्किप कर देते थे। तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं है विंडोज़ 11 के अंदर, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में यूज़र आईडी पासवर्ड डालना ही होगा, नहीं है तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लो और यहाँ पे क्रिएट करने पे ही आगे नेक्स्ट मांगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। तो चलिए विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए विंडोज़ 11 की, और यहाँ पे हमने बूटेबल पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको लगा देना है। मैंने लगा दी है अपने लैपटॉप में और बूट कर लिया है इसको यूएसबी से। यूएसबी से बूट होने के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से पेन ड्राइव डिटेक्ट कर जाएगी और हमारा इंस्टॉलेशन मोड ऑन हो गया है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि सेटअप का जो स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे सेटअप स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन मोड के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जिसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ही सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि हम हर बार इंस्टॉलेशन के टाइम करते हैं, यहाँ पे आई एग्री का आपको एक्सेप्ट का चेक लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको कस्टम चेक करके और यहाँ पे आपको ड्राइव दिख जाएगी जिस ड्राइव में आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके और उस ड्राइव को एक बार फॉर्मेट करके या डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें वो ड्राइव आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ड्राइव को सेट कर सकते हैं या चाहे तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं या सभी ड्राइव को डिलीट करके एक नई ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक ड्राइव क्रिएट कर ली है, और जैसे ही ये ड्राइव एक्टिवेट होगी मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मेरे विंडोज़ की जो फाइल्स है वो कॉपी होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे कुछ ही देर में आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, और जैसे रिस्टार्ट होता है आपको क्या करना है, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो आपने पेन ड्राइव लगाई है उसको निकाल लेना है, और जब सेटअप स्टार्ट होगा उस टाइम लगा देना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होता है तो ये ऑटोमेटिक वापस उस मोड पे आ जाएगा जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो आपको यहाँ पे पेन ड्राइव निकाल लेनी है, और हमारा स्क्रीन बंद हो गई है। अब जब तक डिस्प्ले नहीं आए तब तक आपको पेन ड्राइव नहीं लगानी है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, अभी आपको पेन ड्राइव नहीं लगानी है, और जैसे ही अब इस ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे पेन ड्राइव लगा देनी है ताकि जो आपका अधूरा प्रोसेस बाकी था वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। नहीं तो आप पहले लगा के रखेंगे या पेन ड्राइव नहीं निकालेंगे तो आपका वापस इंस्टॉलेशन मोड ऑन हो जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना है, आपकी जो फाइल है वो सभी स्कैन हो रही है, और स्कैनिंग होने के बाद ये आगे इस तरीके से कुछ टाइम तक आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो प्रोसेस करेगा, और सारा इंस्टॉलेशन अब जो होगा नेक्स्ट वो इसी तरीके से होगा। तो आपको यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना है और लैपटॉप को या कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं करना है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग सर्विसेज लिखा हुआ आ गया है, यानी कि हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होने वाला है। कुछ देर और वेट करना होगा, और देखेंगे आप हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन चूज़ करने होंगे जैसे कि आपको आगे। अब यहाँ पे आपका डिवाइस रेडी हो रहा है, यहाँ पे 20% हुआ, 80% हो गया है, और कुछ ही देर में 100% होने के बाद हमारे पास ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे गेटिंग रेडी लिखा हुआ आ गया है, और थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम यहाँ पे।
लैपटॉप एक बार और रिस्टार्ट हो गया है और आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे पेन ड्राइव लगी रहने देनी है। और अब देखेंगे आप, हमारा जो पेन ड्राइव है वो ऑटो डिटेक्ट हो गया है और सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब जो डेस्कटॉप आइकन आना है वो बाकी है। जस्ट मोमेंट लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक इस तरीके की विंडोज़ का एक आइकन आएगा आपके सामने, और जैसे ही विंडोज़ का आइकन आता है उसके बाद आपको यहाँ पे आपको कंट्री पूछेगा। आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग कीबोर्ड का लेआउट सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो इस जगह आपको क्या करना होगा, आपका आपके पास या तो वाईफाई होना चाहिए या फिर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन आपको देना होगा, जिसे RJ45 कनेक्शन से आप लगा सकते हैं या फिर आप वाईफाई से भी दे सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में वाईफाई ऑप्शन है तो बहुत ही बेटर रहेगा, आप मोबाइल से भी इसका हॉटस्पॉट ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्शन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन नहीं करेंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम हमारे वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे अब आपको ये जो भी अपडेट्स होगा वो अपडेट्स ले लेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट विंडो पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट याद होना चाहिए। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने बना रखा है, तो यहाँ पे आप सिंपली आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और अगर नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट कर ले पहले और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करें। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो इंस्टॉलेशन आपका अधूरा हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आगे जो इंस्टॉलेशन है पूरा प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मैंने लॉगिन कर दिया है, पासवर्ड मैंने डाल दिया है, अब यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन हो चुका है, अब ये हम क्रिएट पिन की बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सेटअप पिन करना होगा और हम यहाँ पे 4 अंकों का कोई सा भी एक पिन सेट कर देते हैं ताकि हमें इजीली याद रहे और पूरा लंबा चौड़ा पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं रहे, डायरेक्ट पिन से ही हम हमारे लैपटॉप को लॉगिन कर सकें। पिन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और आएगा इस तरीके का, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ये प्राइवेसी को लेके है तो यहाँ पे आप सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपका बैकअप वगैरह जो है डायरेक्ट रिस्टोर करना चाहते हैं वन ड्राइव पे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे डोंट बैकअप माय फाइल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। मेरा किसी भी तरह का कोई बैकअप नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आउटलुक वगैरह के लिए कहेगा, तो अगर आप कोई आउटलुक वगैरह बाय करना चाहते हैं या ऑनलाइन आप चाहते हैं कि मुझे अलग से नहीं डालना पड़े, डायरेक्ट ही ऑनलाइन ही आउटलुक वगैरह ऑफिस एक्सेल वगैरह सब कुछ आ जाए,
तो आपको यहाँ पे अपना कार्ड वगैरह ऐड कराने के लिए ऑप्शन भी आएगा, तो आप चाहें तो वो भी करा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक महीने के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा और उसके बाद आपको पे करना होगा और तभी वो एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे वो मैं स्किप कर देता हूँ ताकि मुझे किसी तरीके का बाय करने के लिए नहीं कहे और डायरेक्ट हमारा जो डेस्कटॉप है वो ऑन हो जाए, तो मैंने वो स्किप कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप है वो रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में हम देखेंगे कि हमारा डेस्कटॉप हमारे सामने होगा। यहाँ पे 10 से 15 मिनट ले सकता है पीसी को कम्प्लीटली रेडी करने के लिए। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं, फाइनली दोस्तों विंडोज 11 का जो डेस्कटॉप है वो ऑन हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकेंगे, पहले की जो विंडोज़ का जो विंडोज़ है वो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट बार था जो यहाँ पे आ रहा था कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, वो जो बीच सेंटर में आ चुका है। और इसके जो आइकन है वो कुछ इस तरीके से दिखने को आपको थोड़े डिफरेंट और कलरफुल नज़र आएंगे। और इसमें आपको गेमिंग वगैरह करते हैं या कुछ आप जैसे कि डिज़ाइन वगैरह करते हैं या ग्राफिक्स वगैरह का काम है तो वो और भी इम्प्रूव और इन्हेंस हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोर था विंडोज़ 10 में, जो कुछ लोगों ने अपग्रेड करने के बाद विंडोज़ एक्सप्लोर माइक्रोसॉफ्ट एज पे आ गए थे। तो इस तरीके से कुछ तो अपडेट हमें विंडोज़ 10 में ऑलरेडी देखने को मिल गए थे, लेकिन कुछ जो बाकी थे वो विंडोज़ 11 में देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों के पास विंडोज़ 10 है वो भी अगर अपनी विंडोज़ अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट में विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर डेस्कटॉप वॉलपेपर कौन कौन से हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये 4-5 इसमें वॉलपेपर है, इनको आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसके और भी बेहतरीन फीचर्स के बारे में हम जानेंगे डिटेल में, पहले हम इसको यूज़ करेंगे और फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या अच्छा है इसमें और क्या बुरा है और क्या ख़ास फीचर है इसके और आपको विंडोज़ 11 क्यों यूज़ करनी चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है इंस्टॉलेशन का तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और किसी तरीके का कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड या विंडोज़ से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो कुछ भी सवाल हो तो आप डायरेक्ट कमेंट में या हमारे इंस्टाग्राम पे आके आप वहाँ पे भी हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं हर एक बंदे का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।